हेलो एवरीवन, माय नेम इज बंधन पटेल। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच। लेक्चर नंबर 4 तक हमने मोस्टली जितने भी सम थे वो खत्म कर दिए और हर एक सम की जो अलग अलग मेथड थी वो भी खत्म कर दी। एक्सरसाइज नंबर 2.4 के अंदर हमने फैक्टराइज पढ़ लिया, जिस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का। क्लियर। अब लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.5, जो टोटली बेसिस पे चल रही है एक प्रकार की कुछ सुइटेबल आइडेंटिटीज के। रेडी? तो आपको वो सारी आइडेंटिटीज कंपलसरी 5 टाइम लिख के लर्न करनी है और वो मगअप करनी है, क्योंकि वो आइडेंटिटी अगर आपको याद रहेगी तभी आप इस एक्सरसाइज का इवन एक भी सम सॉल्व आउट कर पाओगे। क्लियर। इस बात का खास ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी जो है वो समझा देता हूँ। यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपको बताई गई है वो आपको डायरेक्टली ग्रास्प करनी है, डायरेक्टली आपको एक्सेप्ट करनी है। क्लियर। मैं जो चेंजेस है वो चेंजेस आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे बताई गई है, x² - y² = x - y x + y, जो कि आप स्टैंडर्ड 8 के अंदर पढ़ के आए हो। क्लियर ना। नाउ x - y² भी आप पढ़ के आए हो, जिसको आपने कहा था परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। क्या कहा था? परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल मींस फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर मींस x - y² = x² - 2xy + y² डन। सेम एज इट इज, यहाँ पे माइनस दिया गया है लेकिन हम यहाँ पे प्लस करने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा ये एक्स प्लस वाई। यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होंगी, जैसे कि यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया था, वैसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर मीन्स वॉट? x² + 2xy + y² डन। चलिए नाउ वन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय अनदर ब्रैकेट। अगर पहला ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में जो पोजीशन बनती है वो हम जनरली क्या कर देते हैं, यही फर्स्ट टर्म × फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, सेकंड टर्म × फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म × सेकंड टर्म। क्लियर ना। वैसा ही करना है एक्चुअल में, आपको यही चीज करनी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के सम्स यहाँ पे बताए गए जो हम इससे करेंगे तो ज्यादा इजी और बेटर रहेगा। क्लियर। कुछ सम हम करने वाले हैं फिलहाल, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों काम में आती है इतनी ज्यादा। ठीक है, चलिए। Now for three term, ये जो दो दो term थे, अब तीन term की बात करते हैं। If x plus y plus z whole square, सबका square है तो क्या करोगे? जैसे x plus y whole square क्या होता था? x² + y² + 2xy, वैसे ये तीनों तीन, तो तीनों तीन का square x² + y² + z² + अब सबके multiplied term 2xy, 2yz, and 2zx। clear? याद रखिएगा। Now for cubic, ये सब थे यहाँ तक, ये जो पांच आइडेंटिटी आपको बताई गई है वो सब क्वाड्रेटिक है। अब जो नीचे आएगी वो सबके सब क्यूबिक के लिए है, तो ध्यान रखना क्यूबिक की जो आइडेंटिटी है वो थोड़ी टफ है। x³ + y³ और x³ - y³ वो दोनों एक ही है लेकिन सिर्फ साइन का चेंज है। पहले क्या लिख देना होता है आपको? बेस, बेस मींस x + y। फिर अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल करो तो क्या बनता है? x² + 2xy + y², बट यहाँ पे चेंज क्या आया है? x प्लस वाई है और साथ में ऊपर उसका स्क्वायर नहीं है, तो क्या बनने वाला है? ये x + y ((x+y)), यानी कि ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट बनेगा यहाँ पे, x² प्लस का हो जाएगा माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई और लास्ट टर्म का स्क्वायर मींस व्हाट? x² साइन चेंज, फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। क्लियर। इस बात को अच्छी तरीके से ख्याल रखना। नाउ सेकंड टर्म के लिए क्या बनने वाला है? ये x - y मींस व्हाट? फर्स्ट टर्म स्क्वायर साइन चेंज मींस माइनस का हो गया प्लस, xy plus last term square means y square. Now for minus but whole cube, यहाँ पे दिया गया था individual cube, जैसे यहाँ पे था ना x² - y² उसके बाद हमने whole square लिखा, वैसे ये क्या है? x³ - y³ उसके बाद whole cube. Whole cube का formula ध्यान रखना थोड़ा नया है। क्या बनेगा? x³, पहले हम plus की side का देखेंगे उसके बाद में minus समझाता हूँ आपको। x + y³ क्या बनने वाला है? x³ + y³ + 3 × पहले का स्क्वायर दूसरा अकेला प्लस दूसरा अकेला माफ कीजिए फिर था पहला अकेला दूसरे का स्क्वायर। क्लियर। क्या किया पहले हमने? 3 × x² y + 3 × xy² और पहले आगे दोनों का क्यूब। प्लस में तो कोई मगजमारी नहीं होती, कोई आसानी से सॉल्व आउट हो जाता है। देखिए ये प्लस प्लस आ गया सब में, माइनस में ध्यान रखना बच्चों, ये जो है x³ - y³ - पहला टर्म माइनस बनेगा 3x² y प्लस, आखिरी टर्म ऑलवेज प्लस रहता है, कोई फैक्टर देख लिया आखिरी टर्म तो प्लस ही रहेगा, प्लस 3xy² क्लियर। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों टर्म है ना वो दोनों टर्म में से 3xy कॉमन आ जाता है। क्या हो जाता है? 3xy कॉमन आ जाता है और उसके बेसिस पे फिर कॉमन दोनों दोनों के अंदर।
हम एक नया ब्रैकेट बनाते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने वो मल्टीप्लाइड इक्वेशन ही आपको डायरेक्ट याद रखा यार, क्योंकि हम इसका सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन टर्म एक्स क्यूब, ये फॉर्मूला जो है उसका एक ही सम दिया गया है और एक सम शायद नीचे है, मतलब दो तीन सम दिए गए इसके। लेकिन ध्यान रखना क्या है ये, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, तीनों का क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड हो तो क्या करेंगे, पहले बेस, जैसे क्यूब था उसमें बेस लिखते थे एक्स प्लस वाई, दो टर्म के लिए बेस एक्स प्लस वाई था, तो तीन टर्म के लिए बेस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। फिर हमने क्या किया, दो टर्म के लिए दोनों का स्क्वायर किया था, तो तीन टर्म के लिए तीनों का स्क्वायर करेंगे। फिर हमने क्या किया था, साइन चेंज करके दोनों का मल्टीप्लाई किया था, तो साइन चेंज करके हर एक का मल्टीप्लाई करेंगे, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर। तो ये जो है वो आइडेंटिटी है जो मैंने आपको समझाई हुई है, क्लियर। या आइडेंटिटी को आप लोग लिखेंगे जब तीन चार बार पांच बार दस बार, तब आपके दिमाग में बैठेगी और तुरंत याद करेंगे आप लोग कि जब सम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसको कैसे कर पाओगे, क्लियर। चलिए चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5, खास ध्यान दीजिएगा। यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्लियर। पहला सम चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन हमें बताया गया है, यूज सुइट, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, तो क्या है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, फर्स्ट वन x प्लस फोर एंड x प्लस टेन, पहला क्वेश्चन हमें यहां पे पूछा गया है, x प्लस फोर एंड x प्लस टेन। देखिए यहां पे आप एक चीज कर सकते हो, पहले पहला दूसरा तीसरा, लेकिन बताया गया है यूज सुइटेबल आइडेंटिटी, क्या बताया गया है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटी, यानी कि हमें इनमें से आइडेंटिटी का यूज करना है। देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई वाला आइडेंटिटी कहां गई, ये रही, क्या होता था, दो ब्रैकेट में जो सेम है, समझो क्या कह रहा हूं, दो ब्रैकेट में जो सेम है, यहाँ पे दोनों में सेम कौन है, एक्स स्क्वायर, तो पहले हम लिख देते अकॉर्डिंग टू ये वाली आइडेंटिटी। देखिए आप जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो वो आपको पहले लिखनी पड़ती है, मैं ये एक सम के लिए वो लिख रहा हूं, बाकी मैं आपको बोलता जाऊंगा कि हमने ये आइडेंटिटी यूज की है, आपको वो सारी चीजें लिखनी है, मैं डायरेक्ट सम के अंदर उसको इंप्लीमेंट करूंगा, क्लियर। चलिए अकॉर्डिंग टू पहले सम के लिए मैं लिख रहा हूं, क्या लिखा हमने, x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी, आंसर बना एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, क्लियर ना, ये हमारा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला के तहत हम जाए तो क्या बनने वाला है, देखिए ये x प्लस ये a है, ये x प्लस ये b है, तो हमारा a और b कौन है, 4 और 10, तो उसकी वैल्यू सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस a प्लस बी, 4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 प्लस 10 x की वैल्यू एज इट इज रहेगी, प्लस 4 इंटू 10 मल्टीप्लाइड टर्म है a इंटू b, रेडी ना। चलिए आखिरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14 इंटू x 14x प्लस 10 फोर जा 40, यानी ये हो गया हमारा क्या प्रोडक्ट। अब इसका फैक्टराइज करने मत बैठना वरना यही आके खड़ा हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई जिसका 40 एडिशन जिसका 14 10 4 जा x प्लस 4 x प्लस 10 आ गया, हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा गया है, बराबर। ये सब हमने सॉल्व किया था ना अगली एक्सरसाइज के अंदर, फैक्टराइज किया था आपको याद हो तो, बराबर। ये तो ऑलरेडी फैक्टर थे, उसको मर्ज किया है, इसको फैक्टर करोगे तो यही आके खड़ा हो जाएगा, बराबर। चलिए यहाँ पे आंसर रोक देना, समझ में आई बात। आप लोग जो भी आइडेंटिटी को यूज कर रहे हो, जो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला को यूज कर रहे हो, वो फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, उसके बाद आप उस सब को सॉल्व करोगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बताया गया है x प्लस 8 x माइनस 10 x प्लस 8 एंड x माइनस 10, ये आपको करना है होमवर्क के अंदर, इसके जैसा ही है सेम x प्लस है x प्लस भी, इसलिए बराबर कोई चेंज तो हमें है नहीं, यही का यही है, तो खुद एक बार ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो फिर मैं सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3x प्लस 4 3x माइनस 5 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ये भी इसके जैसा ही है सेम, लेकिन मैं आपको करवा देता हूं क्योंकि आगे 3x 3x है, थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या है, आइडेंटिटी यूज करनी है ये, आप लोग लिखोगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b x स्क्वायर प्लस a ब्रैकेट a प्लस b x प्लस ab, वो यूज किया फिर हम उसका वैल्यू पुट करें ऐसा, बराबर ध्यान रखना। लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट इसका यूज किया, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फर्स्ट टर्म यानी x का स्क्वायर, रेडी x का स्क्वायर,
इन ब्रैकेट ए प्लस बी फोर प्लस फाइव इन ब्रैकेट एक्स, एक्स तो हमारा कौन है यहाँ पे थ्री एक्स है ना, एक्स की जगह पे तो हमारे पास थ्री एक्स है तो हम थ्री एक्स को ही लिखेंगे जहां जहां पे हमने एक्स लिखा है, प्लस ए बी, प्लस ए बी फोर इंटू बी जो है वो माइनस है तो हम उसी को लिखेंगे। क्लियर, ध्यान रखना अगर माइनस है तो आपको साइन माइनस की रखनी है बराबर। चलिए नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर फाइव जा सॉरी फोर प्लस फाइव नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस फोर फाइव जा फोर्टी सॉरी ट्वेंटी। क्लियर, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व आउट भी कर सकते हो और आसानी से ये हो गया उसके, ये दो उसके फैक्टर है और ये हो गया हमारा पॉलीनोमियल, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। एक y स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू y स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, क्या बताया गया है आपको, y स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू y स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू, क्या बताया गया है y स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एंड y स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू। देखिए y स्क्वायर है ना कि y है, y स्क्वायर ओके हाँ। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ आ रहा है, ये रहा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, बताया गया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है a माइनस बी a प्लस बी। तो देखिए हमारा a कौन है मिस x, हमारा ये कौन है, ये है x ये है y, ये है x ये है y, मीन्स x प्लस y x माइनस y। आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y x माइनस y, फिर लिखना है x प्लस y x माइनस y, देन व्हाट वी कैन से x स्क्वायर यानी कि ये x है उसका स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यानी कि ये y है उसका स्क्वायर। रेडी, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए y स्क्वायर का स्क्वायर y रेज टू 4 माइनस 9 डिवाइड बाय 4, यहां तक रखो तो भी चलेगा, 4 एलसीएम लेके 4y रेज टू 4 माइनस 9 व्हाट डिवाइड 4 लिखो तो भी चलेगा। क्लियर, यहां तक आंसर रखो तो भी चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है क्या है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, 3 ये उम्र में देता हूं इसके जैसा है, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x a माइनस बी a प्लस बी मीन्स x माइनस y x प्लस y। क्लियर ना, तो ये जो है होमवर्क में करना है, भूलना मत। क्लियर, इतना आप खुद करोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि आइडेंटिटी को हम इंप्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर टू की ओर जाते हैं, आपको बताया गया है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, आपको बताया गया है क्या करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर टू, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है बल्कि इवेल्युएट करना है फॉर्मूला की मदद से। क्लियर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्या है मल्टीप्लाई आपको बताया गया है 103 प्लस 107 सॉरी मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई बाय 107। क्लियर, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी हो तो यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले इसको आइडेंटिटी वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा। किस तरीके से लाएंगे, देखिए एक किसी भी एक साइड आपको चुननी पड़ेगी, जैसे कि मैंने 100 चुन लिया तो ये 100 में 3 ज्यादा है, 100 में 7 ज्यादा है, या तो आप 110 चुन लीजिए, ये 110 में 7 कम है इसमें 3 कम है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मैं लेता हूं 100 प्लस 3, मैं लेता हूं 100 प्लस 7। क्लियर, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, हमारी आइडेंटिटी कहां गई, ये रही a प्लस x प्लस a x प्लस b x प्लस a x प्लस b। देखिए x सेम है और a भी अलग अलग है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, क्लियर, आप लोग को फॉर्मूला यूज करना है, पहले तो आपने ये फॉर्मूला दिया उसके बाद आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमारा है वो। क्लियर, लिखोगे क्या x स्क्वायर प्लस, ध्यान रखना मैं बार बार बोल रहा हूं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है फिर आपको वैल्यू पुट करनी है, x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस b इंटू x प्लस a इंटू b। क्लियर, याद रखिएगा मिस्टेक ना हो। चलिए 1000 सॉरी 10000 प्लस 10 इंटू 100 1000 प्लस 27 10000 प्लस 1000
11,027, क्लियर 11,027। देखिए मल्टीप्लाई किए बिना, अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठते, ये तो मैंने आपको समझाते समझाते बताया, मल्टीप्लाई करने बैठते तो कितना देर लग गया था, फॉर्मूला यूज किया सीधा आंसर आ गया, क्लियर। तो ऐसे भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बताया गया है आपको 95 × 96, क्या बताया गया है 95 × 96, क्लियर। मैं आपको इसे हमारे ये वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके देता हूं, उसके बाद आपको खुद ट्राई करना है, क्योंकि इसके जैसा ही है सेम। क्या किया है, देखिए मैं 100 ले लेता हूं, 100, दो चीज ले सकते हो, या तो 90 + 5 90 + 6, या तो 100 - 5 100 - 6। 100 रखो तो आपको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा आसानी रहती है, क्लियर। आगे के स्टेप जो है आपको होमवर्क में करने हैं, x - a x - b x² - जो ब्रैकेट है यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, क्लियर। याद रखिएगा जो है वो उसके हिसाब से यहाँ पे साइन बदलेगी, बीच में प्लस है यानी यहाँ बीच में तो माइनस है, साइन बदल के माइनस हो जाएगी, क्लियर। आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है 104 × 96 104 × 96। अब ये देखिए थोड़ा टेढ़ा है, टेढ़ा मीन्स यहाँ पे हम कोई भी एक चीज रिज्यूम करेंगे तो एक टर्म हमारा प्लस आएगा, एक टर्म माइनस। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, देखिए एक दोनों या तो प्लस थे या तो दोनों माइनस थे। अब ऐसा होगा तो आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, कैसे। पहले इसको मैं नॉर्मल कंडीशन में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा 100 + 4 100 - 4। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, x - y x + y, देखिए हो गया x + y x - y, x भी सेम y भी सेम। तो आपको लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी ऑफ x² - y² = x + y x - y, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो x² - y² means 10,000 - 16 means 10,009, देखो उसमें क्या निकाल देना है सिर्फ 16, 9,084, सिंपल, रेडी, उतना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। यहाँ पे तीन ही क्वेश्चन बताया गया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द सुइटेबल आइडेंटिटीज। आपको क्वेश्चन का टाइटल यही का यही लगाना है, इसलिए मैं टाइटल नहीं लगा रहा हूँ, क्लियर। क्या है, यही क्वेश्चन है, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या है, फैक्टराइज, क्या करना है हमें यहाँ पे, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग आइडेंटिटीज बताया गया है, क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, जो भी है अप्रोक्सीमेट आइडेंटिटी जो भी आपको बताई गई है वो अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लेनी है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यूज अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी हमें, चलो यूज कर लेते हैं उसका। पहला क्वेश्चन है 9x² + 6xy + y², क्या बताया गया है, 9x² + 6xy + y². चलिए जिसको आइडेंटिटी याद हो गई होगी, देखिए वीडियो जब आप देख रहे हो तब एक चीज का ख्याल रखना, पहले ये आइडेंटिटी प्रॉपरली लर्न कर देना, उसके बाद एक्सरसाइज में एंट्री लेना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिलहाल तो आपके पास ये है लेकिन इसके बाद आपके पास ये यूज करने के लिए होंगे नहीं। मैं तो आपके सामने रखूंगा क्योंकि आप लोग देख सको और आसानी से वहां पे इम्प्लीमेंट कर सको, लेकिन जब खुद गिन रहे हो तब ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको कौन सी आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट में लाना है, कौन सी आइडेंटिटी लिखनी है, बराबर, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे तो बीच में एक्स वाई है सबसे पहले, तो बीच में एक्स वाई जब आता है कोई भी टर्म में तो आपको पता ही है बीच में जब दो वेरिएबल आ जाते हैं तब ये एक ही आइडेंटिटी यूज होती है, जिसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। लेकिन ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही है, क्लियर ना, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल देते हैं, क्लियर। ये तो ट्राइनोमियल बना हुआ है तो इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, क्लियर। चलिए क्या करना है, समझना क्या करना है, देखिए हमारे पास ऐसा होता है x + y² तो क्या लिखते हैं, x² + 2xy + y², ऐसा लिखते हैं ना। तो हमने क्या किया है, ये जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, 2 × ये दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म, बराबर ऐसा किया है। तो क्या हुआ,
जब हमें एक्सपांड फॉर्म में से वापिस अपने मेन फॉर्म में आना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला और आखिरी टर्म जो है उसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहला और आखिरी टर्म है उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देखिए 9x² का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 3, x का स्क्वायर रूट x² का बनेगा क्या x, चलिए लिख दिया सिंपल, याद रखिएगा क्या दिया है 9x² भी मिडिल टर्म की साइन आ जाएगी कि आप मिडिल टर्म की साइन चेंज होती है। देखिए एक्स प्लस वाई में बीच में प्लस, माइनस वाई में बीच में माइनस, लास्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट, क्लियर, लास्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, देख लीजिए इसी तरीके से क्या किया है, लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर रूट। अब इस पूरे टर्म का स्क्वायर क्या करना है, इस पूरे टर्म का स्क्वायर, तो अपने आप हमारा जो ये टर्म है वो आ जाएगा, क्लियर। लेकिन आप इस तरीके से, वो तो आपको बता है, आप डायरेक्ट इस तरीके से उसका आंसर लिख सकते नहीं हो, तो अब से आपको ध्यान रखना है जब भी कभी आप ऐसे सम सॉल्व कर रहे हो तब एक लाइन छोड़ के आप आंसर लिखो, क्योंकि आंसर के ऊपर से आप मेन क्वेश्चन बनाने वाले हो। किस तरीके से समझाता हूँ, देखिए ये खास ध्यान रखिएगा, ये जो मेथड है वो मेथड आपको बहुत काम में आएगी। चलिए यहाँ पे एक बात अच्छी तरीके से याद रखिए, एक लाइन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या होगा, हमारा जो आंसर बना था वो तो आपको बनाना आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, x का स्क्वायर रूट x, मिडिल टर्म की साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, यह आंसर बन गया। पर जब इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे तो क्या बनने वाला था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 into first term into second term plus last term का square। अब ये फॉर्मूला प्रॉपर हुआ, हमने क्या किया, पहले इसको मेन फॉर्म में लाए, फिर उसका क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया। एक्चुअल में तो हमें तो यही करना था, हमें तो आंसर लाना था, लेकिन आपको आंसर इलेबोरेट करने के लिए ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी किस तरीके से उसको इलेबोरेट किया गया। रेडी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। 4y² - 4y + 1, क्लियर। ये भी देखिए 4y² - 4y + 1, यहाँ पे दो वेरिएबल बीच में नहीं है, पर यहाँ पे दूसरा वेरिएबल भी तो नहीं है, यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल है सिर्फ y, क्वाड्रेटिक ही है। तो पहले आप लोग इसको चेकआउट करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो पहले हम चेकआउट कर लेते हैं एक लाइन छोड़ के। चलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट 2, वाई स्क्वायर का वाई, मिडिल टर्म की साइन, आखिरी टर्म एज इट इज उसका स्क्वायर। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर करके देखो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 4y² - 2 2 4y * 1 4y + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी हम ऐसा कर सकते हैं, क्लियर। चलिए क्या करेंगे, इसका आप लिखो, इसके ऊपर से सेकंड टर्म बनेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 into first term into second term प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, सिंपल, समझ में आई बात, यानी ये क्या हो गया, इसके ऊपर से हमने इसका आंसर निकाल दिया, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, x² - y² / 100, क्लियर। यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्म दिख रहा है, x² - y² एक साइड तो है लेकिन नीचे 100 है, तो पहले उस 100 को हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में ले आते, इस 100 को क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में ले आते। कैसे, देखिए x² - y² / 100 यानी 10 का स्क्वायर, सिंपल, यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, समझना क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x² - y/10 होल स्क्वायर, ये x के बाहर भी मैं ब्रैकेट बना देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आए। चलिए क्या किया, जो सम था वही का वही सम है, सिर्फ उसको मैंने नॉर्मल मेथड से क्या किया, उसके मेन फॉर्म में लाया, क्या किया, देखिए x² - y² / 100 ही है ये, देखिए x² - y² / 10 स्क्वायर 100, यानी कि क्वेश्चन वही है, लेकिन अब हमारा फॉर्म आया, हमारा जो आइडेंटिटी वाला फॉर्म था वो आ गया, देखिए x² - y² आ गया, x² - y², तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x² - y² का x + y
एक्स माइनस वाई। तो ये हो गए इनके फैक्टर जो हमें फैक्टराइज करने के लिए कहा गया था। इसके दो फैक्टर निकाल दिए हमने, क्लियर। कौन से फैक्टर निकाले हमने यहाँ पे, दो फैक्टर इसके निकाल दिए, एक्स प्लस टेन एक्स सॉरी एक्स प्लस वाई बाई टेन एक्स माइनस वाई बाई टेन। रेडी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आज के लेक्चर के अंदर आपने जितना भी पढ़ा है लेक्चर नंबर 5 के अंदर, वो उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न करनी है किसी भी कंडीशन पे, क्लियर। ये आइडेंटिटी आप लोग लर्न करो, जितना हो सके उसको लिखो, दिमाग में बिठाओ, उसके बाद ये एक्सरसाइज करना चालू करो, क्लियर। यहां तक जैसे आप पहुंचते हो तब तक आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे धीरे धीरे आइडेंटिटी का यूज करना आ रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करना आ रहा है, क्लियर। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से सारी चीजों को 2 टाइम्स लिखना है और लर्न करना है प्रॉपर, क्लियर। मिलते हैं लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।